हेलो बेबी, तुमने मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया था ना। नो ब्लॉक मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टा ऑल्सो एंड सर्च मी ऑन गूगल। दोस्तों, अभी आप लोगों ने ये जो वीडियो देखा, अगर आप लोग भी चाहते हो कि किसी को ऐसे चोर में बोलो कि सर्च मी ऑन गूगल, और जब वो आप लोगों का नाम गूगल पे सर्च करने जाए तो वाकई में जो है आप लोगों का सारा बायोडाटा उनके सामने निकल कर आए कि आप लोग कौन हो क्या हो। तो आज आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखते रहिए। इसमें मैं आप लोगों को गूगल की तरफ से आ रही एक ऐसी ही ऑफिशियल अपडेट के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि आप लोगों के नाम को एकदम टॉप पर लाके रख देगी, जिससे कि आप लोग भी जो है किसी को ये कह सकते हो जब वो आप लोगों की आपसे आपकी पर्सनल डिटेल पूछे, तो आप लोग भी उनसे ये बोल सकते हो कि सर्च मी ऑन गूगल। तो ऐसे में आप लोगों का एक ओहदा भी बन जाएगा कि हाँ यार, ये बंदा कुछ पोजीशन रखता है। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि गूगल पर अपना नाम सर्च करना और रिजल्ट में अपने आप को देखना सबसे पहले, वो एक अलग ही फीलिंग होती है। तो अगर आप लोगों का भी नाम गूगल पर सर्च करने में फर्स्ट नंबर पर रैंक करता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं होता है, और अगर आप लोग जानना चाहते हो कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, कैसे आप लोग जो है आपके नाम को ट्रेंड करवा सकते हो कि जब भी गूगल पर कोई आपका नाम सर्च करे तो फर्स्ट में ही रिजल्ट आप लोगों का ही उन्हें मिले, तो वो सारी चीजें आप लोगों से मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात जरूर बता दूं कि अभी तक भी आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि चैनल पर आने वाले बाकी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों, गूगल की तरफ से आ रही ऑफिशियल अपडेट के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों से थोड़ी बहुत डिटेल्स शेयर करना चाहता हूँ कि गूगल पर आप लोगों का नाम एज ए रिजल्ट आना, वो एक प्रकार से आप लोग यूं मान लीजिए कि आप लोगों का जो एक विजिटिंग कार्ड होता है वो आप लोगों को जो है ऑनलाइन देखने को मिल रहा है, और उसका जो मेंटेनेंस है वो एक प्रकार से गूगल संभाल रहा है। तो ऐसे में दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है अगर आप लोग मेरी तरह एक नॉर्मल इंटरनेट यूजर हो तो। और दोस्तों, अगर आप लोग बहुत गीक इंटरनेट यूजर हो और काफी समय से इंटरनेट को यूज कर रहे हो, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक्टिव हो, तो आप लोगों को पता होगा कि गूगल की सर्च रैंक में आना कितना मुश्किल होता है। तो ऐसा ही एक फीचर जो है गूगल ने अभी हाल ही में लॉन्च कर दिया है, जो कि आप लोग अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, गूगल पीपल कार्ड्स। बेसिकली दोस्तों, ये होता क्या है मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो उसे समझाने के लिए मुझे आप लोगों को जो है क्रोम एप्लीकेशन पर लेकर चलना होगा। तो यहाँ पर मैंने जो है अपना क्रोम एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। और दोस्तों, होता क्या है, जब भी आप लोग यहाँ पे आप लोगों का नाम सर्च करते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अपना नाम सर्च कर लेता हूँ जो कि है अजय खोलिया, तो यहाँ पर दोस्तों मेरा जो प्रोफाइल है या मेरा जो बायोडाटा है वो पहले से ही जो है गूगल ने अपने डेटाबेस में स्टोर कर रखा है, या आप लोग यूँ कह सकते हो मैं पहले से ही जो है गूगल सर्चेबल हूँ। यहाँ पे आप लोग मेरे फोटोज़ वगैरह देख सकते हो, मेरे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, लाइक फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, यूट्यूब चैनल जो मेरा बना हुआ है वो हो गया, योर क्योट हो गया, यहाँ पर मेरा जो इंस्टाग्राम है वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, टिकटॉक प्रोफाइल आप लोग यहाँ से मेरी देख सकते हो, और भी कई सारी जो है अगर आप लोग फोटोज पे क्लिक करो यहाँ पे इमेजेस में तो आप लोग मेरे फोटोज भी देख सकते हो, वीडियोस में आप लोगों को मेरे यूट्यूब के वीडियोस और मेरे टिकटॉक वीडियोस आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों, ये तो बात हो गई अगर आप लोग आपका नाम सर्च करते हो, और अगर आप लोग काफी पुराने इंटरनेट यूजर हो तो आप लोगों का नाम मे भी जो है सर्च में आ रहा हो। लेकिन ऐसे अगर आप लोगों का नाम सर्च करवाने पर गूगल पर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ जो कि मेरा है टेक्निकल शिवांशु यूट्यूब चैनल के लिए, तो वो आप लोग यहाँ पे अभी देख सकते हो, मैंने टेक्निकल शिवांशु आप लोगों के सामने सर्च करवाया और जो फर्स्ट में ही रिजल्ट आ गया है वो आप लोग यहाँ पे अभी देख सकते हो, एड योर सेल्फ टू गूगल सर्च। जी हाँ दोस्तों, यही वो अपडेट है जिसके बारे में मैं आप लोगों से इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। बेसिकली दोस्तों, ये है क्या अपडेट या है क्या चीज वो आप लोग अभी तक समझ गए होंगे, और एक बार मैं आप लोगों से ब्रीफली फिर से समझा देता हूँ कि अगर आप लोग कोई यूट्यूबर, ब्लॉगर या कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो, और अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों का जो है पर्सनल डिटेल आपको लोगों के साथ में शेयर करना ना पड़े, तो ऐसे में आप लोग जो है आपका एक फिजिकल विजिटिंग कार्ड बनवा के रखना होता है, और वो जो है आप लोग लोगों को बांटते हो या देते हो, तब जाके वो जो है आप लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है ये काम गूगल आप लोगों के लिए करने वाला है, ये जो फीचर अभी आप लोग देख रहे हो एड योर सेल्फ टू गूगल सर्च, जिसको कि हम गूगल पीपल कार्ड के नाम से भी जान सकते हैं, इसमें अभी आप लोगों को यहाँ पे जो है गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद में आप लोगों का डिटेल्स इसे देना होगा, और बाद में जो है उसे ये थोड़े टाइम में अपने डेटाबेस में अपडेट कर लेगा, और जब भी आप लोग जो है आपका नाम सर्च करोगे
जो भी आप लोगों ने इस वाली प्रोफाइल को क्रिएट करते वक्त दिया होगा, वो नाम जब भी कोई गूगल पर सर्च करेगा तो रिजल्ट में जो है आप ही लोग उन्हें दिखने वाले हो। वीडियो दोस्तों काफी लंबा हो चुका है, इस वीडियो का सेकंड पार्ट मैं आप लोगों को जो है जल्द ही बनाकर देने वाला हूं, जिसमें कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इस वाली प्रोफाइल को सक्सेसफुली कैसे क्रिएट किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों एक बहुत ही काम की अपडेट है और इस पर आप लोगों को जो है आपकी प्रोफाइल जरूर से क्रिएट करनी चाहिए। अगर आप लोग ये वीडियो बाद में कभी देख रहे हो तो इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है उसका लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दिया है, वहां से आप लोग इसका सेकंड पार्ट देख सकते हो। और फिलहाल की इस वीडियो में दोस्तों मुझे आप लोगों से इन्हीं सारी डिटेल्स को शेयर करना था। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो का सेकंड पार्ट आप लोग जरूर से देखिएगा, उसमें मैं आप लोगों को प्रोफाइल क्रिएट करना सिखाने वाला हूं। तो बस दोस्तों फिलहाल की इस वीडियो में तो इतना ही, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।